गुड इवनिंग हिमाचल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद बशीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद बशीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद बशीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम। हिमाचल का एक और सपूत पंचतत्व में विलीन हो गया। सिरमौर जिला की शिलाई तहसील के झकाणो गांव के सैनिक बलवीर सिंह छुट्टी लेकर घर निकले ही थे कि रास्ते में एक हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। वह 20 डोगरा रेजिमेंट के अंतर्गत 11 RR राष्ट्रीय राइफल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तैनात थे। हादसे में घायल बलवीर 15 दिन तक सैनिक अस्पताल चंडी मंदिर में जिंदगी से जंग लड़ते रहे, लेकिन 31 जनवरी को वह जिंदगी से जंग हार गए। जैसे ही यह खबर गांव व क्षेत्र में फैली तो पूरा क्षेत्र अपने वीर सपूत को खोकर गमगीन हो गया। किसे पता था कि 3 महीने की नवजात बेटी अनाथ हो जाएगी। सोमवार प्रातः शहीद बलवीर सिंह की पार्थिव देह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ मुखाग्नि प्रदान की गई और एक माटी का लाल सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। हमीरपुर जिला के स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर ने सोमवार को आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां स्कूल स्टाफ मौजूद रहा, वहीं स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 50% के आसपास रही। अगर विभाग के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो 5वीं में 43% और 8वीं में 56% छात्रों की उपस्थिति दर्ज हुई है। स्कूलों में छात्रों की सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग हुई और उसके बाद हाथ सैनिटाइज करवाए गए। इसके उपरांत ही छात्रों की एंट्री करवाई जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में पानी की टंकियों और स्कूल परिसर में साफ सफाई को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम डिंपल कुमार है। डिंपल, आज आप इतने दिन बाद स्कूल आए हो, कैसा फील कर रहे हो आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक साल बाद आया स्कूल तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वही स्कूल का प्लेग्राउंड देखकर, क्लासें देखकर, इतने सारे बच्चे को एक साथ विद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, थोड़ी सी चेंज जरूर हुई है लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अपने दोस्तों से मिले, कैसे लगा उनसे मिलकर इतने दिन बाद? बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम वीडियो कॉल पे या फोन करके बात करते रहते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे के साथ का इंटरेक्शन वो बहुत अलग बात होती है। बेटा, जब आप स्कूल आए हो तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? मैं बहुत संतुष्ट हूँ
और जैसे मैं स्कूल पहुंचा, सबसे पहले तो हमारे हाथ सैनिटाइज किए गए, हमारी थर्मल स्कैनिंग की गई, हमको अलग अलग कतारों में खड़ा करके हमारा सोशल डिस्टेंसिंग पूरा किया गया, मास्क सबने पहने हुए थे, और हर बार की तरह हमारी क्लास लगी, और क्लास में भी सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कौन सी क्लास में है? मैं मेडिकल 10+2 में पढ़ता हूँ। का है, मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, यही शायद एक रीजन भी है कि यहाँ तक अभी तक किसी को कोविड की कोई नौबत आई नहीं है, जबकि काम तो रेगुलर ही चल रहे हैं, हर संडे को एग्जाम है, अभी तो वर्किंग डेज के बीच में भी एग्जाम है। अभी आपको वो एनलिस्ट करते हैं, जो और इसके अलावा जो डिपार्चर का टाइम रहेगा शाम को जब बच्चों को छोड़ा जाएगा वो भी प्रॉपरली रखा गया है, कौन कौन सी क्लास को सिस्टम से पहले छोड़ दिया जाएगा, पहले 8 को छोड़ा जाएगा, 2-4 दिन के बाद 9 को छोड़ा जाएगा, ताकि इकट्ठा बच्चे गैदर ना करें। धन्यवाद। ये तो मैसेज है जो हम चाह रहे हैं कि हेल्थ और बच्चों की स्टडीज जो है वो दोनों पे फोकस रहे और बच्चों का भी इस पे फोकस रहे, और अब जितने थोड़े दिन बचते हैं उनमें बच्चे थोड़ा अच्छे से पढ़ पाए। बच्चों के अभिभावकों को क्या फॉलो अप दे रहे हैं? अभिभावकों से जो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स हैं वो भी करी गई, जो थोड़ा बहुत एसएमसी और इसके अलावा पेरेंट्स आए उनको भी बताया गया है कि बच्चों को ये स्कूल कैसे सुरक्षित पहुंच रहे हैं, बस में कैसे आना जाना है अगर दूर से आ रहे हैं तो, और छुट्टी के बाद एकदम से वो मार्केट वगैरह में बिना मास्क के ना घूमने, और कोविड जो इंस्ट्रक्शन है उनका पूरी तरह से पालन करें, ये अभिभावकों को भी रिक्वेस्ट बार बार की जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आपने बोला 221 बच्चे एब्सेंट हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन स्टडी का कोई प्रबंध किया गया है? जी, और पैरेलल जो ऑनलाइन स्टडीज है वो भी चल रही है, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते हम एक अच्छा माहौल बच्चे को दे सकते हैं, एक सुरक्षित एनवायरमेंट दे सकते हैं कि जितना आप घर में सेफ हैं उतना ही दूरी रख के मास्क रख के आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और अगर उससे अटैक होके बच्चे स्कूल आते हैं तो फिर वेलकम रहेगा, अदरवाइज फोर्स बच्चों को हम नहीं कर रहे हैं, स्टडीज का फर्क ना करें तो ऑनलाइन हम चल रहे हैं। धन्यवाद। के आदेशानुसार जो है आज से जो है प्राइमरी में 5वीं कक्षा के लिए और मिडिल में 8वीं कक्षा का तथा 9th, 10th+1+2 के कक्षाएं लगी, उसमें जो है स्कूलों की व्यवस्था को चेक करने के लिए लगभग 8 स्कूलों को मैंने चेक किया और मैंने पाया कि अध्यापक सभी वहाँ उपस्थित थे और साथ में जो है बच्चों की जो प्रेजेंस है वो लगभग 50% पाई गई, 50 से 60% पाई गई, तो इसमें जो है वहाँ पर उनको निर्देश दिए गए कि जो भी SOP है सरकार द्वारा विभाग द्वारा। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। राजधानी शिमला में सोमवार को राज्य पुस्तकालय खुल गया है। पहले दिन राज्य पुस्तकालय में 18 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी छात्रों को कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस पालन करने के निर्देश दिए गए। पुस्तकालय में आने वाले सभी छात्रों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है। पिछले 10 माह बाद शिमला की स्टेट लाइब्रेरी खोली गई है। इससे लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहे युवाओं ने राहत की सांस ली है। पुस्तकालय इंचार्ज दिनेश शर्मा ने बताया है कि कोरोना से बचाव के लिए लाइब्रेरी में पूरी एहतियात बरती जा रही है। शर्मा इंचार्ज SP स्टेट लाइब्रेरी शिमला। सबसे पहले तो इन्हें जो SOP के अनुसार जो गाइडलाइन हमारे को हिमाचल सरकार द्वारा आई है उसी के अनुसार बिठाया जा रहा है। सबसे पहले मास्क है, मास्क का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके पश्चात सैनिटाइज का भी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़रूरी वो कर रहे हैं हम। जैसे हमारे पास बैठने की कैपेसिटी है वो हम 50% ही मतलब पाठकों को बैठा रहे हैं, अभी तो बहुत ही कम है, अभी तो 60-70 के करीब बच्चे आए हैं, और बाकी जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, नए रीडर आ रहे हैं, कोई फॉर्म ले जा रहे हैं और कोई फॉर्म। सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को मंडी बस स्टैंड में चालकों का मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप किया गया। जोनल हॉस्पिटल मंडी के चिकित्सकों की टीम द्वारा चालकों की आंखों और स्वास्थ्य की जांच की गई। RTO मंडी संजीत सिंह ने बताया कि सरकारी व निजी बस चालकों सहित ट्रक, टैक्सी व अन्य वाहन चालकों की भी मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इससे चालकों को पता चल सकेगा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। जैसे कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो है वो इस बार सड़क सुरक्षा को एक महीने में जो प्रोग्राम है उनको कर रही है, उसी संदर्भ को जारी रखते हुए आज जो सड़क सुरक्षा के विषय में हेल्थ कैंप और आइस कैंप जो हमारे ड्राइवर्स हैं एचआरटीसी के हैं, प्राइवेट हैं या अन्य कोई भी ड्राइवर्स हैं, उनका आइस और हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। या हमारे पास डॉक्टर ठाकुर आए हैं और जो जनरल एमबीबीएस हैं और दूसरे डॉक्टर जो हैं वो आइस के आए हैं, दोनों का हेल्थ चेकअप और आई चेकअप किया जा रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा है, लगभग एक घंटा हो चुका है और लगभग 25 से 30 लोगों के हेल्थ चेकअप और आई चेकअप किया जा चुका है। मुझे पूरी आशा है कि जो सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत हमारे जो चालक हैं, चाहे वो एचआरटीसी के हैं, प्राइवेट बसेस के हैं, टैक्सी के हैं, ट्रक के हैं, उनको बहुत इससे फ़ायदा होगा क्योंकि और उनको पता चलेगा कि वो फिजिकली फिट हैं और उनकी आंखें आई साइड जो है वो ठीक है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पर बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में हिंदू संगठन बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। इस सहयोग में हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य से भी हर घर से सहयोग राशि के रूप में चंदा एकत्रित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ विश्व हिंदू परिषद ऊना जिला की इकाई द्वारा सोमवार को महतपुर तक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष निर्मल ठाकुर ने कहा कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हुए सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है। ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य अयोध्या के अंदर चल रहा है, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा अभियान लिया था कि घर घर में हम इसकी अर्क जगाएंगे, एक राष्ट्रवादिता के भाव घर घर में पैदा करेंगे और चंदा भी घर घर से ग्रहण करेंगे। उसी के तहत जन जागृति जो ये चला हुआ अभियान घर घर में पहुंचने का कार्यकर्ता जा रहे हैं, उसी के अभियान के अंतर्गत आज की ये रैली थी।